तो गाइस अगर आप भी इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कराना चाहते हो या फिर आप भी चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाए प्रमोशन के थ्रू, तो दोस्तों ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आप प्रमोशन से कैसे इतने फॉलोअर्स पा सकते हो या फिर इतने आप प्रमोशन से आपको क्या क्या फायदे होते हैं या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है प्रमोशन का, मैं आपको सब यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों वेलकम टू माई चैनल हर्ष द व्लॉग, दोस्तों आप सबको स्वागत है। तो दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप आती है दोस्तों कि मैंने अपना प्रमोशन कैसे करा। फॉर माई एग्जाम्पल तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली एक तो जल्दी प्रमोशन करा था 120 रुपीज़ का वन डे के लिए। तो दोस्तों उसमें मुझे देखते हैं अच्छी खासी रीच तो नहीं, मैं कहूँगा मेरी देखते रिसेंटली 2 घंटे में देखते 130 रीच आ चुकी थी। और दोस्तों एक दिन बाद मैंने देखा तो उस पर मात्र सिर्फ 320 रीच, मतलब 320 रीच हमको मिली थी सिर्फ इंस्टाग्राम की तरफ से, जो कि दोस्तों मैंने प्रमोशन करा था 120 रुपीज़ का। और 120 रुपीज़ नहीं दोस्तों 135 रुपीज़, क्योंकि दोस्तों 135 इसलिए क्योंकि दोस्तों कुछ टैक्स जुड़ जाता है प्रमोशन के टाइम। और दोस्तों मैंने UPI से पेमेंट करा था और दोस्तों मुझे तो ज़्यादा इतना खास रिस्पांस मिला नहीं कि लोग बहुत लोग के दोस्तों ये उम्मीद होती कि मुझे देखते कि मैं इंस्टाग्राम में प्रमोशन करूँगा तो मुझे बहुत सारी रीच अच्छी मिल जाएगी या फिर मेरा देखते बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने पर्सनली ये करके देखा है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ बस आपको थोड़ी बहुत अच्छी रीच मिल जाती है और आपकी इंगेजमेंट थोड़ी हो जाती है, बाकी दोस्तों आपको ये सोचो कि आपको फॉलोअर्स मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप देखते आप चाहते हो कि आपकी देखते इंगेजमेंट अच्छी रह जाए या फिर आपको फॉलोअर्स मिले, तो आपको देखते अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको 500-1000 रुपये देखते आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तब कहीं जाकर आपको अच्छा खासा इंगेजमेंट या फिर आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स मिलेंगे, वो भी इंस्टाग्राम की तरफ से। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 100-200 रुपये में देखते चाहो कि आपको 1000 फॉलोअर्स मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट टिप की तरफ दोस्तों चलते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम पे प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहली बात बता दूं कि आपको इंस्टाग्राम में अगर प्रमोशन करना है तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए, तभी आप इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर सकते हो। अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो आप कभी भी प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आपको इंगेजमेंट, आपकी रीच कितनी है, आपको ये सिर्फ एनालिटिक्स जो भी होता है इंस्टाग्राम का आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट में पता चलता है। तो आपको ये चीज़ सही करनी पड़ेगी, आपको देखते अपना अकाउंट प्रोफेशनल करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाके नीचे जाके अकाउंट वाला है वहाँ पे दोस्तों लिखा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, आप वहाँ से प्रोफेशनल अकाउंट कर सकते हो। और सेकेंड चीज़ दोस्तों आप प्रमोशन कैसे करोगे। प्रमोशन दोस्तों आपको देखते हैं वहाँ पे जब आप प्रोफेशनल अकाउंट कर लोगे तो आपको एक अलग से कॉलम मिल जाएगा प्रमोशन का, और दोस्तों आपके हर पोस्ट पर प्रमोट का ऑप्शन लिख कर आएगा ब्लू कलर का। दोस्तों मैं यहाँ पे साइड पिनअप भी कर दूंगा कि आपको कैसे आ रहा होगा। दोस्तों ऐसे साइड में आपके देखते ब्लू कलर का आएगा और आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों लिख के आएगा गेट प्रमोट, तो आप गेट प्रमोट पर क्लिक कर दोगे। गेट प्रमोट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे अपनी ओन, आपको वहाँ पे दो चीज़ होगी, आप देखते हैं ऑटोमेटिक होगा एक और एक होगा मैचुअल। तो दोस्तों आपको आपकी ओन ऑडियंस बतानी है कि आपको दोस्तों अपने देखते हैं आप कहाँ तक अपनी पोस्ट को बताना फैलाना चाहते हो, इंडिया में या फिर अगर आपकी कैसे कोई चीज़ है तो आप इंडिया में या फिर नेपाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या फिर देखते हैं आप, या फिर आपकी फिर नीचे होगा इंटरेस्ट कि आपकी देखते हैं किस रिलेटेड आपकी इंटरेस्ट है, मतलब आप देखते हैं यूट्यूब से रिलेटेड आप कुछ देखते पोस्ट कर रहे हो या फिर आप फूड से या फिर व्लॉगिंग से या फिर कुछ भी दोस्तों आपसे जो रिलेटेड आपका है आप वहाँ पे अपना इंटरेस्ट फिलअप कर सकते हो। और आपको एज, आप किस एज तक इस कंटेंट को पहुँचाना चाहते हो आपको वहाँ पे एज भी सिलेक्शन करना होगा। फिर देन दोस्तों देखते हैं आपको फिर आपको हो जाएगा, आपका बजट आ जाएगा कि आपको कितने बजट का प्रमोशन करना है, 1 दिन का 2 दिन का जितना भी आपको करना है आपको देखते हैं यहाँ पर मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ऐसे करना है। फिर देन आपको देखते हैं पेमेंट कर देना, आप UPI से कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको पेमेंट करनी है आप कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों प्रमोशन। दोस्तों अब आते 3 टिप्स कि हमारा प्रमोशन हो जाने के बाद से हमें क्या फ़ायदा होने लगता है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, आपको इंगेजमेंट आपकी रीच जो होती है। और दोस्तों देखिए प्रमोशन तभी आप करिए जब आप एक अच्छे नीश पे वर्क कर रहे हो, आप डेली देखते हैं अपने देखते हैं अपने अकाउंट पे कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हो, रील्स हो चाहे पोस्ट हो चाहे IGTV हो, तब आप जाके देखते हैं जब सब प्रमोशन करिए। अगर आप देखते हैं
महीने में या फिर देखते हैं हफ्ते में कुछ अपलोड करने वालों में से हो तो आप प्लीज़ प्रमोशन ऑप्शन मत करना, क्योंकि आपका सिर्फ घाटा है, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप कहते हैं आप अगर डेली वर्क करते हो इंस्टाग्राम पे, आप कहते कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हो, कुछ ना कुछ आप कहते हैं अपने ऑडियंस को देते रहते हो, तब तो आपके लिए ये प्रमोशन वाला थोड़ा बहुत सही है कि आप कहते अच्छे खासे पैसे लगाकर प्रमोशन कर सकते हो। वरना दोस्तों अगर आपकी कोई नीच नहीं है, आप चाहते नहीं हो कि कहते आप डेली अपलोड कुछ नहीं करते हो या फिर कहते आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हो, तो आप प्रमोशन मत करो, आपका घाटा है, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई भी कहते रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप देखते हैं प्रमोशन मत ही करना। बाकी दोस्तों जिनका नीच कंफर्म है, जिनको देखते हैं चाहते हो कि हाँ कि मुझे देखते हैं इस नीच पे वर्क करना है, या फिर किसी का फोटोग्राफी से रिलेटेड है पेज, या फिर मतलब आप किसी देखते हैं किसी रिलेटेड से वर्क कर रहे हो, तो आप प्रमोशन कर सकते हो। तो आप अपने देखते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं वहाँ पर अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लो और देखते हैं अपना प्रमोशन कर लो, आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, अच्छा खासा आपको देखते हैं इंगेजमेंट भी मिलेगी। और दोस्तों अगर कहते हैं आप किसी फोटो को प्रमोट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपनी फ़ोटो को प्रमोट करना चाहते हैं कि उस पर अच्छी खासी लाइक आ जाए, तो दोस्तों वो फ़ोटो आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, DSLR से क्लिक वाली फ़ोटो होनी चाहिए दोस्तों, उस फोटो में दम होना चाहिए तभी आप उस फोटो को देखते प्रमोट करना। वरना दोस्तों आप अनसर्न फ़ोन से क्लिक करी हुई फ़ोटो या फिर देखते हैं फ़ोटो की क्वालिटी कम है और आप देखते उस फोटो को प्रमोट करोगे तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी लाइक नहीं करेगा, कोई एंगेजमेंट नहीं बनेगी। गर्ल्स में क्या होता है दोस्तों कि उनके में लोग लाइक कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि गर्ल्स में आप समझ रहे हो ना चीज़ें हो जाती हैं, लाइक कर देता है बंदा, पर दोस्तों बॉयज़ में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको प्रोफेशनल आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, HD क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आपकी वो फ़ोटो प्रमोट होगी अच्छे से, तभी आपके अच्छे खासे लाइक्स आएंगे, अच्छे खासे आपके कमेंट्स आएंगे और आपकी अच्छी खासी रीच बनेगी। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है प्रमोशन में, तो आप ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते आप प्रमोट करना ये सब चीज़ें, जल्दबाजी नहीं दोस्तों। अगर आपको नहीं सही से पता है तो दोस्तों आप देखते यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू प्रमोट इंस्टाग्राम, तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी वीडियोज़ आप बनी हुई हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको आधे दोस्तों आपको मैंने डिटेल्स बताए दिए, वरना आप चाहते हो फुल डिटेल अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फुल डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बाकी दोस्तों आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप इंस्टाग्राम पर कैसे प्रमोट सही से कर सकते हो, सही तरीका दोस्तों आना ज़रूरी है, वरना दोस्तों आप गलत तरह से कैसे प्रमोट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मैं चाहता था कि आपको मैं ये जानकारी दूं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी करा है और दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मुझे कितने फॉलोअर्स मिले उस प्रमोशन से, तो मैं बता दूं मुझे 0 फॉलोअर्स मिले, 0, मुझे कोई कितने फॉलोअर्स नहीं मिला, सिर्फ मैं कहूँगा हाँ मुझे अच्छी खासी रीच मिल गई, क्योंकि मेरे दोस्तों उस पर 130 रीच थी और मैंने जब एक दिन बाद उसे देखा तो उस पर कितने 330 रीच थी, मतलब 320 या 330 कितने कुछ मैक्सिमम रीच थी। तो दोस्तों मुझे बस रीच मिली, बाकी मुझे कितने फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं मिले थे, 0 फॉलोअर्स मिले थे। और बस दोस्तों मुझे आपको ये चीज़ अब नहीं बतानी थी कि मैं चाहता था आप भी इस चीज़ से सतर्क रहो, क्योंकि बहुत लोग दोस्तों सोचते हैं कि मैं प्रमोशन कर लूँगा तो मुझे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है प्रमोशन करने से, कहते बस आपकी इंगेजमेंट और आपकी रीच बढ़ती है, आपकी प्रोफाइल को आगे तक इंस्टाग्राम पहुंचाता है। अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है और आपको देखते हैं एक नीच पे अकाउंट है तब कहीं जाके आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, वरना दोस्तों आपको ऐसे अनसर्न आपको अकाउंट है, आप कुछ एक्टिव नहीं रहते हो, कुछ अपलोड नहीं करते हो, तो आपको कोई फॉलोअर्स नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों मुझे भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दोस्तों यहाँ पे मेरी ID मेंशन हो रही होगी, बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरी ID आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाओगे, वहाँ दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाया करता हूँ, तो दोस्तों वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।